For latest Bollywood news and updates, please subscribe to Bollymyth. जब दो इंसान एक दूसरे की रूह को छू लें, उसे कहते हैं प्यार। ऐसा ही एक प्यार भरा रिश्ता ऋषि कपूर और नीतू सिंह के बीच रहा। ऋषि कपूर आज भले ही हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन ऋषि और नीतू सिंह का प्यार अमर रहेगा। तो चलिए आज आपको सुनाते हैं इनकी प्रेम कहानी। दरअसल ऋषि और नीतू मिलने से पहले बॉलीवुड में कदम रख चुके थे, लेकिन तकदीर ने उन्हें मिलाया फिल्म जहरीला इंसान के सेट पर। उस वक्त नीतू सिंह की उम्र सिर्फ 14 साल थी, यानी टीनेज का प्यार जिंदगी भर का साथ बनने जा रहा था, और ये शायद खुद नीतू और ऋषि ने नहीं सोचा होगा। लेकिन इतनी खास प्रेम कहानी की शुरुआत आम कैसे हो सकती थी? इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स आना तो लाजमी था। हुआ भी कुछ ऐसा ही। इसका खुलासा एक इंटरव्यू के दौरान हुआ, जब नीतू सिंह ने बताया कि पहली मुलाकात में ऋषि कपूर उन्हें पसंद नहीं आए। ऋषि कपूर का नीतू सिंह को हर छोटी छोटी बात पर टोकना पसंद नहीं आता था। तब नीतू उन्हें अकड़ू समझने लगी। नीतू को क्या पता था वो इंसान उनका हमसफर बनने वाला था। भले ही उस वक्त नीतू ऋषि को कुछ खास पसंद ना करती हूँ, लेकिन ऋषि कपूर को नीतू सिंह बेहद पसंद थी। हालांकि उस वक्त ऋषि कपूर एक लड़की को डेट कर रहे थे और इसकी जानकारी नीतू सिंह को भी थी। जब ऋषि कपूर किसी बात को लेकर परेशान होते थे तो वो अपनी प्रॉब्लम्स नीतू सिंह के साथ शेयर करते थे। इसी बीच दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और दोनों का एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना ही एक अमर प्रेम कहानी की शुरुआत थी। इसी दौरान ऋषि कपूर और उनकी गर्लफ्रेंड के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। ऋषि कपूर ने अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने की बेहद कोशिश की, यहाँ तक कि अपने दोस्त नीतू से अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए टेलीग्राम भी लिखवाए, लेकिन बात नहीं बनी। वक्त के साथ ऋषि कपूर अपनी गर्लफ्रेंड को भूलने लगे और यहीं से ऋषि कपूर और नीतू सिंह के रिश्ते में एक नया मोड़ आया। ऋषि कपूर को नीतू सिंह ने अपने लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर दिखने लगी। इस बात का एहसास उन्हें तब हुआ जब फिल्म जहरीला इंसान की शूटिंग पूरी हुई और ऋषि कपूर दूसरे प्रोजेक्ट के लिए यूरोप चले गए थे। वहां उन्होंने नीतू सिंह को बहुत मिस किया। यूरोप में रहकर ऋषि कपूर ने नीतू सिंह को कई बार टेलीग्राम भी भेजा, जिसमें वो अक्सर लिखा करते थे, मेरा तुम्हारे बिना दिल नहीं लग रहा। बस फिर क्या, यूरोप से आते ही ऋषि कपूर ने सीधा नीतू सिंह को प्रपोज कर दिया था, जिसका जवाब नीतू सिंह ने हाँ में दिया। नीतू सिंह आरके बैनर की फिल्म बॉबी में ऋषि कपूर के ऑपोजिट काम करना चाहती थी, लेकिन राज कपूर ने इस फिल्म में डिंपल कपाड़िया को साइन किया। राज कपूर इस फिल्म में एक फ्रेश चेहरा चाहते थे, जबकि नीतू सिंह ऑलरेडी कई फिल्मों में काम कर चुकी थी। कहा तो ये तक जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ऋषि कपूर का दिल डिंपल कपाड़िया के लिए धड़कने लगा था, लेकिन ये बात पापा राज कपूर को रास नहीं आई। इसके बाद ऋषि कपूर ने इस बात को वहीं खत्म किया और दोनों रिश्ते में आगे बढ़ते गए। ऋषि कपूर और नीतू सिंह ने साथ में कई फिल्में की, जैसे कभी कभी, दूसरा आदमी, रफू चक्कर, अमर अकबर एंथनी जैसी सुपरहिट फिल्मों में दोनों की केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया। नीतू सिंह हमेशा यही कोशिश करती थी कि वो ज्यादातर फिल्में ऋषि कपूर के साथ ही करें। नीतू सिंह ऋषि कपूर के घर आने जाने लगी थी। नीतू सिंह ऋषि कपूर के साथ अपने रिलेशन को लेकर काफी सीरियस हो गई थी, जिसकी जानकारी दोनों की फैमिली को भी थी। फिल्म इंडस्ट्री में नीतू सिंह और ऋषि कपूर के रोमांस के किस्से काफी फेमस होने लगे। सबको इस बात का इल्म था कि दोनों जल्द शादी के बंधन में बन सकते हैं। एक दिन राज कपूर ने ऋषि कपूर से साफ कह दिया, अगर वो नीतू सिंह को पसंद करते हैं तो उनसे शादी कर लें। इस बात से दोनों बेहद खुश थे, लेकिन यहाँ नीतू सिंह के लिए परेशानी भी खड़ी हो गई। नीतू अगर शादी कर लेती तो अपनी माँ का ख्याल कैसे रखती, क्योंकि घर में कमाऊ सदस्य नीतू सिंह ही थी। यहाँ ऋषि कपूर ने अपने प्यार का साथ दिया और उनकी माँ को शादी के बाद उनके साथ रहने के लिए मना लिया। 22 जनवरी 1980 में नीतू सिंह और ऋषि कपूर की शादी हो गई। दोनों की शादी फिल्म इंडस्ट्री की शाही शादियों में से एक थी। शादी के बाद नीतू सिंह और ऋषि कपूर की जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव आए, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को संभालते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए हर मुश्किल का सामना किया। नीतू सिंह और ऋषि कपूर के दो बच्चे रणबीर कपूर और रिद्धिमा कपूर हैं। आज भले ही ऋषि कपूर हमारे बीच नहीं है, लेकिन टीनेज के दिनों का प्यार पूरी जिंदगी का साथ बन गया। एक ऐसा अटूट रिश्ता जो दोनों की रूह में बसा है। नीतू सिंह और ऋषि कपूर की प्रेम कहानी कपल्स के लिए वाकई इंस्पिरेशन है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट।